Hello everybody, assalamu alaikum, welcome back to my channel, Dear My Reaction Today. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing fine. और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक रिएक्शन लेके. तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि टाइटल क्या है वीडियो का. तो टाइटल है वीडियो का जिसपे मैं अपना रिएक्शन देने वाली हूँ आज, गिविंग दवा टू आमिर बाय मौलाना तारिक जमील. सो गाइज, काफ़ी मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी व्यूवर्स के साइड से कि मैं इस पर अपना रिएक्शन दूँ. तो मौलाना तारिक जमील जब आमिर खान से मिले थे, जो कि बॉलीवुड एक्टर है सबको पता होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था, यू नो, तो उसी पूरे सिलसिले के बारे में उन्होंने यहाँ पे अपने बयान में बताया है. तो चलिए सुनते हैं अपना, तो चलिए सुनते हैं उनका ये वीडियो. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या वेट कर रहे हैं, कर दें मेरे चैनल को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर लें अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी. अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हुआ, मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत. लोगों को मोहब्बत दो, करीब होंगे. मैं जब गया, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का. तो अल्लाह ने शाहिद अफरीदी को भेज दिया, शाहिद अफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है. मैंने उससे फ़ोन पर कहा, यार मेरी मुलाकात तो करा. उसने मुलाकात करवाई तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा. जब मैं पहुंचा, मैक्सिमम पौना घंटा, मैंने ठीक. मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोजख का फैसला हो जाएगा, पता नहीं क्या हो, डरा हुआ सहमा हुआ था. तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए, मैं उस दोस्त को, उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया. ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर. एक लड़का था, बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ. मेरा दोस्त मुतासर हो गया था, तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था. तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासर हुआ, वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है, चलो मेरे साथ. और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक था. अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक, मैं उसका एहसान मान, मुझे ज़बरदस्ती ले गया. हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नू लत लगी वो सीधा हो गया. वो जो होता है हंच बैक होता ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया. मैं मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई. तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया. और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुना जमशेद क्या है जो उस ज़माने में ये सारा को ठा ठाइया मैंने सारा किया है. तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी. और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था, तो उसके ऊपर मेरे इलम का रोप पड़ गया, उसकी लाइन का इलम था ना. तो हैरान परेशान, ये वास तो हो रहे, तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए. वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया. तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठे चले उधर चल के बैठते. वह खाने की टेबल पर थे तो वहाँ जा कर बैठ गए, फिर वही बातें शुरू हो गई. जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें 1.5 घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे, तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपको अपने नबी का हज सुनो. कहने लगे हाँ जी ज़रूर सुनाई. फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा और वो ऐसे करके
यहां से वो यूं नहीं हुआ, सवा घंटा ऐसे बैठ के यूं सुनता, हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। दो घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाएगा, जरूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊँगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। तो मैं, जुनैद और एक और साथी, हम दोबारा वहाँ चले गए 4 बजे। 4:15 हम उसके साथ, हमारी शूटिंग शुरू हुई 4:15 से 10:15 तक, 6 घंटे मुसलसल। और उसके माथे पे ज़रा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूँ। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। भाई चंगी मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब का जी ये हमारा फील्ड नहीं, तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया, कि जान भी बच जाए जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मज़मून दिल में डाला। तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई। तो फौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई। फिर मैं था हांगकांग, मैंने वहाँ से उसको मैसेज किया, देखो किसी मसरूफ़ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में, आपको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फ़ोन पर रब्ता, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, अगर उसका जवाब ना आए फिर मैं नहीं करता हूँ। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर लें। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो उसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फ़िल्म कामयाब हो गई। मैं कहा या अल्लाह मैं कोई नहीं की थी तेनों। भाइयो मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। गाइस ये था मौलाना तारिक जमील का बयान आमिर खान को लेकर। तो गाइस मैं ये बोलूंगी इट वाज रियली हिलेरियस, यू नो मुझे बड़ा मजा आया उनका ये पूरा कॉन्वर्सेशन, ये पूरा डिस्कशन सुन के आमिर खान के बारे में, कि कैसे कैसे वो उनसे मिले, कैसे यू नो पॉसिबल हुआ दोनों का मिलना, और कितना टाइम उन लोग ने बिताया साथ में, और क्या क्या यू नो सिचुएशन आई। सो गाइस जैसा कि उन्होंने बताया, क्योंकि आमिर खान जो है वो बहुत ही बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, और तो उनको डर लग रहा होगा कि एक मैं मौलाना साहब से मिलने जा रहा हूँ, वो भी मौलाना तारिक जमील से, तो उनके दिमाग में ये होगा कि ओ गॉड अब ये पता नहीं मुझे क्या क्या यू नो बातें सुनाएंगे, और कैसा होगा क्योंकि मैं इस यू नो ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरा काम ये है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जैसा कि मौलाना तारिक जमील ने कहा कि फतवा निकाल देते हैं लोग, बट यू नो लोगों को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, उससे लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे यू नो राधा देन फतवा निकालने से, किसी को बातें सुनाने से, यू नो किसी को गलत नेगेटिवली यू नो उसको एकदम यू नो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर डालने से कि ये क्या कर रहे हो तुम,
दिस एंड दैट ये सब गलत है। तो मौलाना तारिक जमील का जो जेस्चर था बहुत ही स्वीट लगा मुझे, आमिर खान की तरफ जो जितनी स्वीटली उन्होंने डील किया आमिर खान के साथ, और बता रहे थे वो कि यू नो जब उन्होंने दुआ करने के लिए कही तो उन्होंने कैसे यू नो सिचुएशन को मोल्ड करके क्या उनको मैसेज किया। तो ये बोलूँगी मौलाना तारिक जमील इज़ अ वन ऑफ अ काइंड मौलाना, जो यू नो जो कि हर कैटेगरी के इंसान को डील करना जानते हैं बहुत ही अच्छे से। और उनका यू नो ये मकसद नहीं होता कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ करें। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक शेर लास्ट में बोला कि किसी को गिराना है तो उसको अपने प्यार से यू नो ऐसे करके कुछ था, तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल और मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी वो लाइन सुन के। और ये पूरा उनका जो बयान है काफ़ी खूबसूरत है आमिर खान को लेके, और यू नो कैसे आमिर खान उनसे मुतासर हो गए जैसा कि मौलाना तारिक जमील ने बताया, और वो आज भी उनके कांटेक्ट में हैं, उनसे बातें होती। ऑब्वियस बात है यू नो जो इतने बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसको कोई भी चाहे फिल्म इंडस्ट्री का इंसान हो कोई भी उसको ज़रूर वो रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, एक इन्फ्लुएंसर है, तो वो ऑब्वियस सी बात है। और आमिर खान को तो हम लोग सब जानते हैं, वो बहुत ही बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं। तो गाइस ये काफ़ी मज़ेदार मुझे मौलाना तारिक जमील ने पूरा डिस्कशन आमिर खान के बारे में किया है, बड़ा मज़ा आया उसे सुन के। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी दिस रिएक्शन वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मैं हमेशा जब मौलाना तारिक जमील के वीडियो लेके आती हूँ तो मुझे ढेर सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम। सो दैट्स अबाउट इट, नाउ आई विल सी इन अनदर वीडियो विद अनदर रिएक्शन। टिल देन स्टे होम स्टे हैप्पी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बी पॉजिटिव बी हैप्पी बाय बाय।